नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ए के बी स्टॉक लाइव में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 ऐसी वेबसाइट्स जो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए काफ़ी काम आती हैं। और ये 10 फ्री वाली जो वेबसाइट हैं, ये जब हम बिगनर होते हैं तो जब हम सीखते रहते हैं डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, तो बहुत ही काम की है ये साइटें, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा था। एक्चुअली सबको मैं कर देता हूँ क्लोज़। सबसे पहली साइट तो अपनी आती है पिंटरेस्ट वाली ही, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब में जो इमेजेस अपलोड होती हैं, वो इमेजेस को ये यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर शो करता है। ओके, तो इस वेबसाइट के बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। और बट ये शुरुआती दिनों के ये हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी, ये पिंटरेस्ट जो है ये काफ़ी हेल्प करती है, हमारी काफ़ी मदद करती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के बाद फिर हमारा जो है अगला वेबसाइट है वो है टेक्चर्स का है, texturs.com करके है एक। ओके, इस texturs.com में हमें क्या, हमें जितने तरीके के हमें टेक्चर्स चाहिए, एनिमल टेक्चर चाहिए, ब्रिक टेक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं। उस कैटेगरीज़ के अनुसार आप जो है यहाँ पर जो भी टेक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे टेक्चर्स, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ 3D मॉडल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से भी। आप सिंपली कोई भी चीज़ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, और इसके बाद हमारा आता है दूसरी जो चीज़ें हैं वो, दूसरी जो वेबसाइट है इसके बारे में और मैं बताना चाहूँगा। जैसे अपने को फैब्रिक टेक्चर्स वगैरह भी चाहिए तो ये यहाँ से हमें मिल जाता है, अपने को बहुत ज़्यादा काम आता है ये फैब्रिक टेक्चर्स। किसी भी फ्लावर बैकग्राउंड में, किसी भी बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से हम ये टेक्चर्स उठा सकते हैं। ओके, बहुत सारे टेक्चर्स हैं, अभी वन बाय वन अगर मैं बताने जाऊँगा तो तकरीबन 7 से 8 घंटे निकल जाएंगे इसी एक ही ट्यूटोरियल में, इसी एक ही वीडियो में। तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप देख सकते हैं वन बाय वन, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्चर्स हैं, इसको आप सेव करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारी वो है Behance करके है, यहाँ से भी हम फ्लावर्स वगैरह जो भी इमेजेस हमें चाहिए वो इमेजेस हम ले सकते हैं। ओके, ये साइट जो है ये एडोबी की साइट है। सिंपली यहाँ से भी कुछ भी चीज़ें जो भी हमें जो भी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम यहाँ से उठा सकते हैं। तीसरी जो है हमारी है वो PNG फ्री डाउनलोड करके है, PNG ट्री। ओके, इधर से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो बैकग्राउंड को रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पहले से ही यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होता है। इस जगह से हम कोई भी चीज़ें, कोई भी फ्लावर वगैरह कुछ भी है उसे हम ले सकते हैं। जैसे मैं कोई एक आता डाउनलोड करके अभी आपको बताऊं, तो जैसे डाउनलोड करके मैंने डाउनलोड PNG, ओप्स यू हैव रीच डेली डाउनलोड लिमिट। अच्छा हाँ, एक्चुअली इसमें ना पर डे का एक ही डाउनलोड देता है। ठीक है, तो वो मैंने डाउनलोड कर रखा था, वो था शायद ये रहा, ये वाली इमेज मैंने बाद में डाउनलोड कर रखी थी, ये वाली इमेज। ओके, तो इसमें तो ये वाली जो साइट है ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज देती है पर डे का डाउनलोड करने के लिए, और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको 7 या 8 इमेजेस मिल जाती हैं डाउनलोड करने के लिए। ओके, मैंने कौन सी इमेज डाउनलोड की थी, शायद ये वाली इमेज मैंने डाउनलोड की थी। ओके, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा एक रॉ पिक्सल करके है। रॉ पिक्सल में हमें अनलिमिटेड डाउनलोड करने को मिलता है, यहाँ पर जो है जो भी फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स को हम यूज़ कर सकते हैं जॉइंट फ्री करके। JPG में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, टिफ में भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, जॉइंट फ्री करने के बाद आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मेरी फेवरेट साइट FreePic। FreePic में अपने को विदाउट लॉगिंग किए हमें 7 इमेजेस मिलती हैं, 7 फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं,
और जब डाउनलोड लिमिट ख़त्म हो जाए तो फिर से लॉगिंग करके फिर से 7 इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब टोटल 14-15 इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रीमियम की इमेजेस भी होती हैं और कुछ प्रीमियम के कुछ फ्री वाले भी चीज़ें होती हैं। जो फ्री वाली चीज़ें हैं वही हम डाउनलोड कर पाएंगे, प्रीमियम वाले के लिए हमें पैसे देने होंगे। ओके, पर इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद हमारा नंबर आता है पिज्ज़ा बे का, यहाँ पर भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस, कोई भी इमेज हो, कोई भी फ्लावर वगैरह हो, उसको हम अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे HD में। आई एम नॉट रोबोट और ये डाउनलोड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो। हमारा जो काम है वो हमारे काम के लिए ये बेहतर है, हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और फाइल ज़्यादा हैवी की, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं रहेगी तभी भी चलेगा, हमें लो रेजोल्यूशन में भी काम कर सकते हैं हम। हमारी इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री ऐसे है कि 1 से 2 इंच के फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है हमें, इससे ज़्यादा और की ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ती है। ये अपना हो गया, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लैंड गोल्ड पे। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये बहुत बहुत बड़ी साइट है, इसके अंदर इतनी सारी इमेजेस अवेलेबल है जिसका कोई हद नहीं है, बशर्ते इंसान को ढूंढना आना चाहिए। अपने को अभी जैसे मैं बताऊँ कि जैसे मेरे को बैकग्राउंड चाहिए, अब बैकग्राउंड में देखो कितनी सारी कैटेगरीज हैं, पर कैटेगरीज में अभी सपोज दैट मेरे को इस पर जाना है, हर कैटेगरीज में भी कैटेगरीज हैं, फिर मैं दूसरी में जाता हूँ उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। ये मान लो मेरे को टेक्स्चर्स चाहिए रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से टेक्स्चर्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि ये होते बहुत छोटे हैं, ठीक है, तकरीबन 3 इंच 4 इंच के आसपास के, लेकिन टेक्स्चर्स हमें ज़्यादा बड़ा टेक्स्चर की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, हमें हमारी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें आसानी से मिल पा रही हैं ये 10 की 10 वेबसाइट से, तो हमें और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ चाहिए आपको वो आप यहाँ से, ये जो साइट्स मैंने बताया है ये इन साइट्स से आप ले सकते हैं, कहीं पर भी पे करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये जैसे मैंने इसको सेव किया, ये देखिए इसका साइज़ जो है ये तकरीबन 11 इंच का नहीं 34 का रेजोल्यूशन है, तो मतलब कुछ खास नहीं है, पर ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं 2 इंच भी अगर मैं करता हूँ तभी भी ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। और हमें जो टेक्सचर चाहिए रहते हैं वो 2 इंच 1.5 इंच, इससे ज़्यादा का ज़रूरत तो हमें पड़ता भी नहीं है टेक्सचर के लिए। मान लो मैंने ये टेक्सचर को यूज़ किया है और इसका जो साइज़ है, मैं एक नया पेज ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए टेक्सचर, यहाँ पर पैटर्न पे गया, ये देखिए, ठीक है, सब सीमलेस होती हैं, सब रिपीटेबल होती हैं। ओके, तो हमें और क्या चाहिए, हमारा इतने से काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं अगली साइट के लिए। जो अगली साइट है इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते रहोगे, और इसमें से इमेजेस वगैरह कैसे डाउनलोड, ये मेरी एक्चुअली सबसे फेवरेट साइट है, क्योंकि यहाँ से मेरे को सारी की सारी इमेजेस मुझे मिल जाती हैं, मुझे जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी इमेजेस मुझे यहाँ से मिलती हैं। और कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ें शायद आप लोगों को पता ही होंगी, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, फिर भी एक बार मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी। शटरस्टॉक एक ऐसा गढ़ है कि यहाँ पर दुनिया की नंबर 1 साइट है एक्चुअली, ठीक है, रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेजेस की। यदि यहाँ से आपको विदाउट वाटरमार्क की कोई भी फाइल यदि आपको मिल रही है ना, तो आप मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप मतलब फील कर पा रहे होंगे कि आपको क्या हाथ लगा है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से आप डाउनलोड करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वाटरमार्क। अभी यहाँ पर वाटरमार्क, पहले हम क्या करते थे, पहले राइट क्लिक करके सेव इमेज करते थे, फिर उसके बाद फोटोशॉप में जा करके एक एक करके ये वाटरमार्क को हम स्टैम्प टूल से हटाते थे। ओके, तो सोचो कितना समय हमारा, कितना टाइम बच गया। हाँ, अभी यहाँ पर जो है हम इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद URL बॉक्स में जाते हैं, कॉपी करते हैं और नया विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पर png.is टाइप करते हैं, तो इस तरीके से हमारा एक दूसरी साइट ओपन हो जाएगी।
और इस साइट पर ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं कॉपी और वो यूआरएल बॉक्स का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अभी मेरे को लॉगिन करने के लिए बोल सकता है ये शायद, हाँ गो टू लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो भी चीज़ें हैं मैं लॉगिन करूँगा, सिंपली मैं अपने दूसरे विंडो पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर फाइंड स्टॉक, क्लिक टू व्यू, और इस तरीके से हमें वो 3-4 सेकंड के अंदर वो फाइल हमें मिल जाएगी। अब क्या कहें दोस्तों, ये साइट और ये जो तरीका, ये इतना बढ़िया लगा मुझे कि मतलब मेरी जो मेरा जो टाइम था, जो भी फाइल्स मैं क्रिएट करता हूँ, आप खुद भी फील कर पा रहे होंगे कि आपका कितना टाइम बच रहा है, कितना टाइम सेफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेफ हो रहा है। तो अभी देखो ये कई दफ़ा क्या बोलता है, इमेज एक्सपायर हो जाती है, तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम दोबारा कर लेते हैं इसको, दोबारा विंडो ओपन करने के बाद हमारा हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचता है इस टेक्निक को यूज़ करके, और अब तक की ये मेरी सबसे अच्छी चीज़ है जो चीज़ मुझे हाथ लगी है। अब देखिए इसमें ना तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, या तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। सेव करने के बाद हम, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच 2.5 इंच, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखो यहाँ पर रेजोल्यूशन कोई भी, देखो अब इतनी चीज़ें में हमें मिल गई है ना, अब मेरे को रेजोल्यूशन को ज़्यादा कम करना है वो अपने ही हाथ में है, ठीक है। 96 के रेजोल्यूशन पर मिलता है इसे, इसे मैंने 300 पर कर दिया, और ये जो चीज़ है इसको मैंने बढ़ा करके 30 कर दिया, ठीक है। 30 करने के बाद अब मैं सिंपली जाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको फ़िल्टर में जा करके, फ़िल्टर गैलरी में तो नहीं जाना होगा मेरे को, मेरे को एक्चुअली ऑयल पेंट चाहिए, थोड़ा सा ऑयल पेंट में जा करके शाइन को थोड़ा सा कम करूंगा, इसको प्लस करके क्लियरेंस का थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, स्टाइलाइजेशन को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं इसको करूंगा ओके। ओके करने के बाद फिर मैं जाऊंगा स्मार्ट शार्पन में, और स्मार्ट शार्पन में जाने के बाद इसको कुछ मैं इतना सा, इतनी वैल्यू देंगे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, प्रीव्यू किया यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अभी कैसा है, अभी कैसा, थोड़ा सा और वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सी दैट, प्रीव्यू किया, ऐसा ऐसा था हमारा ओरिजिनल अपना इमेज, ऐसा है अभी, ऐसा लो क्लियरिटी बढ़ गई, ठीक है। और क्या करने की ज़रूरत है हमें, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमारा समय बचता है, ठीक है। और जो 10वीं चीज़ है वो है अपना प्लेड मेकर करके है, ये प्लेड मेकर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये मैं दूसरे विंडो में ओपन कर लेता हूँ, ये सारी साइट्स का जो लिंक है ना वो लिंक मैं आपको दे दूँगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए जैसे प्लेड मेकर है ना, ये प्लेड मेकर हमें खास करके चेक वाले जो शर्ट होते हैं ना वो शर्ट बनाने के काम में आते हैं, मैं के प्लेड पे करता हूँ, और ये जो ये चेक्स बनाने के काम में आते हैं हमारे, ठीक है। मैं जैसा कि अभी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक मैंने कलर चूज़ कर लिया, मैं एक डिज़ाइन यहाँ पर बना रहा हूँ आपको, ओके। दूसरा मैंने चूज़ कर लिया कुछ इतना सा, और तीसरा मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया, एक कलर और ले लेता हूँ येलो कलर करके, ओके। और ये वाले कलर का जो विड्थ है वो विड्थ मैं दूंगा इसका 12 पिक्सल, ये इसका जो यूनिट है वो 12 पिक्सल में ही है, और एक का और मैं दूंगा 12 पिक्सल, और उसका कलर जो है वो मैं ये वाले कलर को रखूंगा। यहाँ पर देखिए तो आपको प्रीव्यू मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये इमेज जो है मेरी, फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है, ओके। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा कर लेता हूँ। अभी इसमें इसके बाद मैं चलता हूँ 6 पिक्सल का लेता हूँ ये ब्लैक वाले को, ये जो कलर है ये ब्लैक वाले कलर में यूज़ करता हूँ। एक और कॉपी करता हूँ, प्लस करता हूँ, और ये वाला जो है इसको मैं करता हूँ 2, और फिर से एक और प्लस करता हूँ मैं,
और इधर मैं ब्लैक लेता हूँ और ब्लैक को मैं करता हूँ 3, ये रहा। ओके तो देखो दोस्तों, ये हमारा चेक चेक का, ये शर्ट के काम में आता है एक्चुअली, शर्ट वगैरह के काम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ट्विल इफेक्ट अपने को 1x1 देना है, 2x2 देना है, तो उस हिसाब से हम ट्विल इफेक्ट बोलेगा। तो ये जो क्रॉस लाइन का इफेक्ट जो दिख रहा है ना, ये है। ओके तो इसको मैं करता हूँ सेव, नाम दे देता हूँ 0121, ईमेल वगैरह मांगेगा या नहीं मांगेगा पता नहीं, व्यू इट। ये देखिए, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये हमारी फाइल हो गई डाउनलोड। और चलता हूँ ज़रा फोटोशॉप में और देखता हूँ क्या रेजोल्यूशन की है वो। सेव इमेज, ये देखो परफेक्ट, इतना बढ़िया रेजोल्यूशन जिसकी कोई हद नहीं। ये एक, यदि आप चेक चेक वाले शर्ट क्रिएट कर रहे हैं, लाइन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कस्टमाइज जो है डिज़ाइंस वहाँ से करके सिंपली आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यही चीज़ आप फोटोशॉप में या फिर कोरल में करने के लिए जाएंगे तो आपका कम से कम नहीं को तो एक डिज़ाइन के पीछे 20 से 25 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, इससे ज़्यादा सॉरी इससे कम तो जाएगा ही नहीं। देख पा रहे होंगे आप लोग, ओके तो ये 10 की 10 साइट्स जो हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना।